नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नीरज। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बीते 3 दिनों से बारिश का मंजर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में काफी गिरावट आई है और ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आज के दिन भी बारिश का ये दौर जारी रहने की आशंका जताते हुए कुछ पहाड़ी जनपदों में अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। वहीं चोटियों पर लगातार हो रहे हल्के हिमपात से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को भी कुमाऊं में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी सीजन का पहला हिमपात हो गया है, जिसके बाद ठंड में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मौसम के खराब होने की वजह से प्रदेश के 4 जनपदों के स्कूलों को आज भी बंद किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी में जिला प्रशासन ने शनिवार को भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। अन्य जिलों में भी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं 3 दिन के बाद यानी कि 10 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव आने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।